नमस्कार, मैं हूं आपके साथ शाहीन अली और आप देख रहे फसल क्रांति। तो आइए नजर डालते हैं आज की 10 बड़ी खबरों पर। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने सोमवार को 45 से अधिक उम्र वालों के लिए पोलिंग बूथ पर कोविड 19 टीकाकरण के लिए जहां हो वहां वैक्सीनेशन अभियान शुरू करने का ऐलान किया। बकौल केजरीवाल, दिल्ली में करीब 2080 वार्ड्स है और हर हफ्ते 70 वार्ड्स कवर होंगे। उन्होंने कहा कि 45 से अधिक उम्र के सभी लोगों को 4 हफ्ते में टीका लगाया जाएगा। डीएमआरसी ने कहा कि 50% क्षमता के साथ सोमवार से शुरू हुई दिल्ली मेट्रो में स्मार्ट कार्ड के साथ अब टोकन भी मान्य होंगे। हालांकि स्मार्ट कार्ड पर 20% की छूट जारी रहेगी। डीएमआरसी की प्रेस विज्ञप्ति के अनुसार सामाजिक दूरी का पालन सुनिश्चित करने के लिए मेट्रो में यात्रियों को खड़े होकर सफर करने की अनुमति नहीं होगी। एम्स और सफदरजंग के रेसिडेंट डॉक्टर्स ने मध्य प्रदेश में स्टाइपेंड में बढ़ोतरी व अन्य मांग को लेकर प्रदर्शन कर रहे जूनियर डॉक्टर्स के समर्थन में रविवार को कैंडल मार्च निकाला। एम्स के रेसिडेंट डॉक्टर्स एसोसिएशन के एक पदाधिकारी ने कहा कि मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री इस मुद्दे का हल निकाले और ऐसा नहीं होता है तो देशव्यापी प्रदर्शन होंगे। भारत में दैनिक कोविड 19 मामलों में गिरावट के बाद कम से कम 9 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों ने प्रतिबंधों में ढील देकर अनलॉक की प्रक्रिया शुरू कर दी है। दिल्ली ने और दिनों के आधार पर दुकानें खोलने की अनुमति दी है, जबकि महाराष्ट्र ने 5 लेवल वाले अनलॉक की घोषणा की है। उत्तर प्रदेश के अधिकांश जिलों में ढील दी गई है। बतौर रिपोर्ट रेप के मामले में सुनारिया जेल हरियाणा में बंद डेरा सच्चा सौदा प्रमुख गुरमीत राम रहीम सिंह कोविड 19 से संक्रमित मिला है, जिसके बाद उसे गुरुग्राम स्थित एक निजी अस्पताल में भर्ती किया गया है। गौरतलब है गुरुवार को पेट दर्द की शिकायत करने के बाद सिंह की रोहतक स्थित PGIMS में चिकित्सक जांच भी की गई थी। अब रुख करते हैं कृषि विभाग से जुड़े खबरों की। बिहार के किसानों और कृषि में रुचि रखने वाले छात्रों के लिए एक बड़ी खुशखबरी है। समस्तीपुर में पूसा के बाद भोजपुर में बिहार का दूसरा एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग कॉलेज खुलेगा। इसकी कवायद तेज से हो गई है। बिहार के कृषि मंत्री अमरेंद्र प्रताप सिंह के निर्देश पर कृषि विभाग इसका प्रस्ताव तैयार करने में जुट गया है। प्रस्ताव तैयार होते ही इसे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में होने वाली कैबिनेट में भेजा जाएगा। कैबिनेट की मोहर लगाते ही कृषि मंत्री के विधानसभा क्षेत्र वाले भोजपुर में इसकी नींव रखने का मार्ग प्रशस्त हो जाएगा। आरा के विधायक अमरेंद्र प्रताप सिंह ने पिछले साल कृषि मंत्रालय का प्रभार संभालने के बाद भी भोजपुर में कृषि विभाग की ओर से एक महत्वपूर्ण संस्थान खोलने की इच्छा जताई थी। आरा में आयोजित एक कार्यक्रम में उन्होंने इसकी घोषणा भी की थी। हालांकि उनकी मोहर लगने के बाद विभाग इसका प्रस्ताव तैयार करने में जोर शोर से जुट गया है। बिरसा कृषि विश्वविद्यालय के अंतर्गत 4 एग्रीकल्चर कॉलेज के विद्यार्थियों को ऑनलाइन व्यवहारिक प्रशिक्षण से घरों में व्यवसायिक मशरूम उद्यम प्रोजेक्ट करने को कहा गया है। कृषि स्नातक सेमेस्टर 8 के सभी छात्र छात्राओं के लिए एक्सपीरियंस लर्निंग प्रोग्राम अनिवार्य है। डॉक्टर एमएस यादव ने बताया कि कोरोना के कारण 4 एग्रीकल्चर कॉलेज के 204 छात्र छात्राएं ELP गतिविधियां अपने घरों में ही करेंगे। इसे पूरा करने पर ही उन्हें एग्रीकल्चर ग्रेजुएट की डिग्री प्रदान की जाएगी। नीति आयोग के सदस्य रमेश चंद ने कहा है कि कोविड 19 की दूसरी लहर कृषि क्षेत्र को किसी भी तरह प्रभावित नहीं करेगी। उन्होंने कहा कि ग्रामीण इलाकों में मई में कोविड 19 संक्रमण के मामले फैलने लगे थे, लेकिन तब कृषि गतिविधियां काफी कम थी। बकौल चंद, कृषि गतिविधियां मार्च या अप्रैल के मध्य तक चरम पर होती है। अब नजर डालते हैं खेल जगत और बॉलीवुड से जुड़े खबरों की ओर।
भारत के पूर्व ओलंपिक धावक पीटी उषा ने केरल के मुख्यमंत्री पिनराई विजयन व केंद्रीय मंत्री किरण रिजिजू से आग्रह किया है कि वो खिलाड़ियों, कोच, सहायक स्टाफ व मेडिकल टीम का जल्द टीकाकरण करवाए। उन्होंने कहा कि आगामी राष्ट्रीय व अन्य मुकाबलों में भाग लेने वाले इन खिलाड़ियों का टीकाकरण प्राथमिकता से की जानी चाहिए। अंत में आपको बता दें कि मुंबई के पीडी हिंदुजा अस्पताल के अनुसार दिग्गज अभिनेता दिलीप कुमार वेंटिलेटर पर नहीं बल्कि ऑक्सीजन सपोर्ट पर है। बकौल अस्पताल उनकी हालत स्थिर है। न्यूरल एस्पिरेशन करने के लिए कुछ टेस्ट रिजल्ट की प्रतीक्षा कर रहे हैं। दिलीप कुमार को सांस लेने में तकलीफ के बाद अस्पताल ले जाया गया था। आज के लिए बस इतना ही। आगे हम आपको ऐसे ही और भी अपडेट्स देते रहेंगे। तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ और देखते रहे फसल क्रांति। अब मुझे दीजिए इजाजत। धन्यवाद।